नवी मुंबई के नेरुल में साड़ी के एक नए शोरूम में दिन दहाड़े तीन लोगों के सामने पलक झपकते दो शातिर महिलाओं ने 2 लाख की साड़ी पर हाथ साफ कर दिया और इस पूरी घटना को सीसीटीवी ने अपने कैमरे के जरिए कैद कर लिया। साड़ी चोरनी दोनों महिला ने बिना किसी झिझक और सीसीटीवी कैमरे की परवाह किए इस घटना को बड़े चालाकी से अंजाम दिया। दुकानदार को साड़ी की चोरी का पता तब चला जब महंगी साड़ियों की संख्या कुछ कम लगी। सीसीटीवी कैमरा को खंगालने के बाद उनका शक यकीन में बदल गया कि वाकई चोरी हुई है। आप खुद देखिए कि साड़ी चोरनी ने किस अंदाज में चुराई साड़ी को ठिकाने लगाया। हरी साड़ी वाली इस महिला को ध्यान से देखिए, इसके हाथों में साड़ियों के बंडल है जिसमें 3 साड़ियां हैं। यही महिला तीनों साड़ी काउंटर पर रखती है और महिला सेल्समैन के हाथ में भी एक अलग साड़ी है। दूसरे सेल्समैन को भी आप जरा ध्यान से देखिए, इसने 3 साड़ियों में से 1 साड़ी को साइड में रखा। महिला सेल्समैन ने ऑरेंज साड़ी को चेक करने के लिए साइड में किया, तभी चोरनी महिला उस साड़ी के पास जाती है और एक ऑरेंज साड़ी के साथ एक और साड़ी उठाती है जो नजर नहीं आता। देखिए झुककर वो किस तरह दूसरी साड़ी को ठिकाने लगाती है। अब आप देख सकते हैं कि काउंटर से 3 में से 1 साड़ी गायब हो चुकी है। ये ब्रॉड डे लाइट में हुआ है, मतलब तकरीबन 3-4 बजे दोपहर की, और उस समय हम सब शोरूम में थे। ये 2 लेडीज आई हैं, पता नहीं कहाँ से आई हैं, ये आई और हमसे कहने लगी कि उन्हें साड़ियाँ देखनी है। हम दिखाते दिखाते हम सब यहीं पे खड़े थे, लेकिन बड़ी आसानी से बड़ी चालाकी से ये लोग आए और उन्होंने हमारे आँखों के सामने दूर झोंक के ये करीब 2 लाख का माल उठा के ले गए। पहले तो हमें समझ में नहीं आया, जब हमें समझ में आया जैसे वो निकले यहाँ से, तो हमने तुरंत सीसीटीवी कैमरा टी वी चेक किया अपना। तब हमें पता चला कि वो उन्होंने साड़ी के अंदर थैलियाँ छुपाई हुई थी जी। और वो साड़ियाँ खोलने के की एक्टिंग कर रही थी, उसके नीचे उन्होंने साड़ी छुपा के वो नीचे फेंकती जा रही थी। तो एक बंदा साड़ी नीचे फेंक रहा था, दूसरा बंदा उठा के उसे थैली के अंदर डाल रहा था। मैं काउंटर पे खड़ा था उस पर जी। बड़ी चालाकी से ये लोग नॉर्मली साड़ियाँ डिस्प्ले करने के लिए डिस्प्ले के काइंड ऑफ खोल रही थी जी, मतलब खोलते समय नीचे फैला रही थी टेबल पे, तो पड़ी हुई दूसरी साड़ी वो अपनी उठा रही थी और अपने पॉकेट के अंदर या जिस तरीके से उनका जो था उस तरीके से वो अपने अंदर रखे जा रही थी। देन वी अंडरस्टूड कि समथिंग इज रॉन्ग जी। जब हम लोगों ने उसके बाद में हम लोगों ने प्रेशर टैक्टिक्स की हम लोगों के साथ में, ये साड़ी दिखाओ, ये साड़ी दिखाओ, वो साड़ी दिखाओ, ये साड़ी खींच रहे, वो साड़ी खींच रहे, देन हम लोगों का जायज हम लोगों को गुस्सा है कि ये अपने स्टॉक को इस तरीके से मिसहैंडल नहीं कर सकती है जी। तो हम लोगों ने उनको गुस्से में बोला कि आपको लेना हो लीजिए, अदरवाइज गेट लॉस, धक्का मार के उनको बाहर हम लोगों ने निकाला। बट जाने के बाद जब हमने अपना स्टॉक के ऊपर नजर घुमाई तो लगा कि हमारी साड़ियाँ मिसिंग है, बिकॉज काउंटर पे हमारी काउंटिंग होती है सारी चीजें की। तो जब हम लोग वापस रख रहे थे तब महसूस हुआ कि हमारे स्टॉक मिसिंग है जी। देन वी इमीडिएटली चेक फुटेज, हमने फुटेज को इमीडिएटली चेक किया, तब फुटेज में महसूस हुआ कि कितनी मतलब चालाकी से वो साड़ियाँ गायब कर रही थी। पुलिस ने इमीडिएट एक्शन लिया, बट जो आधा घंटा बीत चुका था पुलिस स्टेशन तक हमको पहुंचने तक, फुटेज चेक करने तक, तब तक ये लोग महिलाएं फरार हो चुकी थी। पुलिस यहाँ पे आई थी, उन्होंने काफी सपोर्ट भी किया हम लोगों, काफी उन लोगों ने इमीडिएटली जो इंडिविजुअल जो एक्शन लेना होता उन लोगों ने एक्शन भी लिया था, सब कुछ लिया था, बट जब तक महिलाएं फरार हो चुकी थी। आधा पौना घंटा काफी ज्यादा होता है इन लोग को यहाँ से, इट्स वेरी नियर टू स्टेशन, यहाँ से स्टेशन काफी करीब है। महिला यहाँ से स्टेशन गई होगी, वहाँ से स्टेशन से लोकल ट्रेन पे निकल गई होगी, लोकल पनवेल भी जाती है, थाना भी जाती है, इवन द बॉम्बे भी जाती है, तो मिलना शायद मुश्किल ही है। बट ये लोग जिस तरह से शार्प माइंडेड या जिस तरह के शातिर चोर थे, तो इन लोग का जरूर कोई गैंग होना चाहिए जी। जी, जी गैंग के थ्रू या उसके थ्रू उससे पता लगा सकते हैं। गौरतलब है कि हरियाणा साड़ी शोरूम को खुले महीना भर भी नहीं हुआ है, लेकिन कमाई के बदले 2 लाख की चोरी ने दुकानदार को परेशान कर दिया है, क्योंकि साड़ी चोरनी दोनों महिलाएं अब तक नेरुल पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक कपड़े के दुकान में मौजूद हूँ, यहाँ पे कीमती और महंगी महंगी साड़ियाँ बेची जा रही थी। आपको जानकर हैरत होगी,
कि ये दुकान को शुरू हुए लगभग महीना भी नहीं बीता है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी चोरी की वारदात को दो महिलाओं ने अंजाम दिया है जिसे सुनकर आपको हैरत होगी कि वो महिलाएं इन सबों के नजरों के सामने साड़ी चुरा दी गई और दुकान में इतने सारे लोग मौजूद थे, किसी को इस बात की भनक भी नहीं हुई कि ये महिला यहाँ पर साड़ी चुरा रही है। हालांकि उन महिलाओं की करतूत यहाँ पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में आप देख सकते हैं, ये जो सीसीटीवी कैमरे में उनकी पूरी करतूत की करनी रिकॉर्ड हो चुकी है। यही वो दुकान है जहाँ पे दूसरा सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है और उस कैमरे में भी उनकी पूरी करतूत रिकॉर्ड हो चुकी है। फिलहाल मामले की शिकायत नेरुल पुलिस थाने में दर्ज करवा दी गई है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि नेरुल पुलिस उन दो सातिर महिलाओं को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। कैमरा पर्सन संदीप मोरे के साथ गोपाल साहब।